नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण में, कल इसकी जो है क्लासेस नहीं हो पाई थी कुछ कारणवश, आज हिंदी व्याकरण में उसी से आगे हम लोग जस्ट बढ़ेंगे। मैं इस समय आपको शब्द भेद जो कि यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा में, ठीक है, या आप कोई भी ऐसी परीक्षा दे रहे हैं जहां पर हिंदी आना होता है, हिंदी अनिवार्य विषय के तौर पर होता है, वहां सबसे ज्यादा आपको शब्द भेद से ही प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, कोई भी प्रश्न पत्र उठा लीजिए, चाहे आप टेट का पेपर देने जा रहे हैं, सुपर टेट देने जा रहे हैं, सीटीईटी है, ठीक है, कोई भी आपका मतलब कोई भी स्टेट है, आप चाहे उत्तर प्रदेश एसआई है, सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह शब्द भेद पर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज है भाई। कोई भी भाषा है, कोई भी लैंग्वेज है, उसका निर्माण ही शब्दों से होता है, तो जाहिर सी बात है शब्दों का ही सबसे बड़ा योगदान उसमें होता है। यहां हिंदी व्याकरण में जब हम शब्द के भेद को पढ़ते हैं तो लगातार इधर क्लासेज मेरे शब्द भेद पर ही आ रही है। हमने रूढ़ शब्द और जो है यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द को पढ़ लिया, फिर उनकी रचना कैसे होती है, जो है समास के आधार पर होती है, जो आपके यौगिक शब्द होते हैं उपसर्ग से होती, प्रत्यय से होती, इन तीनों चीजों को हमने पढ़ा कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, समास क्या है। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजें हो चुकी हैं। आज हम लोग जो दूसरा पॉइंट है आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार, उन शब्दों के प्रकार पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर, क्योंकि यह जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां से प्रश्न आना, चाहे आप आर ओ आर ओ के अभ्यर्थी हैं, मतलब आगामी परीक्षा में बैठने जा रहे, या आप लोक सेवा आयोग की कोई ऐसी परीक्षा दे रहे जिसमें आपका हिंदी पूछ रहा, या यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा दे रहे जिसमें हिंदी है, या कोई भी परीक्षा है किसी भी आपके राज्य की है जिसमें हिंदी अनिवार्य विषय के तौर पर है, तो तद्भव और तत्सम का योगदान सबसे ज्यादा होता है। इन्हीं में आप में कंफ्यूजन बनी रहती है कि क्या कैसे पहचाना जाए, तो इन सभी चीजों पर जो है एक ट्रिक बनाकर मैं लाया हूं। ठीक है, उन ट्रिक के माध्यम से जो है कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब जो विशेष चीजें शब्दों में देखी जाती हैं उनके आधार पर उन चीजों को तैयार किया गया है, और उन्हें जब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा तो आप हर एक चीजों पर धीरे धीरे स्वतः, ठीक है, अपने आप दिमाग आपका पहुंचने लगेगा, और वहां से आप प्रश्नों को सही करने की प्रवृत्ति में जरूर बढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है ऐसी। और ये सारे कोर्सेज जो आपको हम निःशुल्क वीडियोज उपलब्ध कराते हैं हर एक क्लासेस के, ठीक है, जितनी भी आपकी 4 से 5 क्लासेस चलती हैं, ये सब कुछ हमारे 10+ कोर्स के अंतर्गत जो है टीम के द्वारा आप सभी को उपलब्ध कराया जाता है। अगर आपको इन सभी में से हर एक क्लास की डेली पीडीएफ के तौर पर चाहिए तो आप जो है 3 महीने का एक साथ सब्सक्रिप्शन जो कि केवल 499 रुपए है इसको ले सकते हैं, जिससे कि 3 महीने तक जो भी क्लास हम चलाएंगे उन सभी क्लासेस की आपको हम पीडीएफ देंगे। तो इसको लेना आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। ठीक है, इतनी बड़ी भी चीज नहीं। अभी जो है टीम के द्वारा मैंने कुछ दिन पहले आपको, इस समय जो रात में फास्ट ट्रैक में अब जो है इतिहास पढ़ा रहा हूं 10 PM पर जो लाइव क्लास होती है, इससे पहले मैंने 21 क्लासेज आपकी करवाई है पॉलिटी की, जिसमें हर एक क्लास में मिनिमम 50 क्वेश्चन रहे थे, लगभग 1100 प्रश्नों के करीब जो है ये पूरी पॉलिटी गई थी आपकी, पूरे पार्ट्स मैंने पढ़ाए थे, तो इसकी पीडीएफ रेडी हो चुकी है। सबसे खास बात इसमें क्या है कि जो पीडीएफ है, यानी जो आपके चैप्टर स्टार्ट हैं, उन चैप्टर की सबसे पहले नोट्स लगी हुई है, नोट्स के बाद उनसे संबंधित आपके 50 प्रश्न मिनिमम शामिल है, यानी एक पूरी की पूरी आपकी अच्छी खासी किताब है। अगर इस जो है आप पॉलिटी के इन सारे प्रश्नों को देख लेते हैं, एक पीडीएफ के रूप में है पूरी बुक, मतलब आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है, एक अच्छी पीडीएफ के रूप में बनाया गया है, तो यहां से आपका सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी और बहुत अच्छे से पढ़ भी लेंगे। तो इस पीडीएफ को आप अगर इस प्रोग्राम में जुड़े हैं तो यहां तो निःशुल्क दे दी गई है आपको, लेकिन अगर खरीदना चाह रहे तो आप जो है सबसे पहले प्ले स्टोर से हमारा ऐप खरीद डाउनलोड करिए परीक्षा प्लस, और वहां से जाकर के आप ये 1000 की सीरीज जो है 1000+ क्वेश्चन लगा है वहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं बढ़ता हूं आज के क्लासेस की ओर से। तो आज हमने, जैसा मैंने आपको बताया कि आज हमें पढ़ना है भैया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद क्या क्या हैं, इन्हीं को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, क्योंकि यहां से 100% जो है पूछता ही पूछता है। अगर आपका 40 मिनिमम प्रश्न आया
तब भी आप समझ जाओ कि तद्भव तत्सम से चार क्वेश्चन तक आपके हो जाते हैं, चार प्रश्न तक हो जाते हैं, या दो तो मिनिमम रहते ही रहते हैं, एक तद्भव से होगा, एक तक जो है तत्सम से होगा। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इधर जो यूपी ट्रिपल एससी है आपका, यह सभी प्रकार के मतलब उत्पत्ति के आधार पर जितने प्रकार के शब्द बनते हैं सभी को पूछ रहा है, देशज भी पूछता है, विदेशज भी पूछता है, सभी प्रश्नों को पूछता है। अब इसमें देख लेते हैं कि इसके कितने भेद होते हैं। हालांकि मैंने आपको जब इस दिन शब्द के बारे में बताया था उस दिन सब कुछ परिभाषित किया है। देखो इसमें जो शब्द भेद होते हैं वह आपका होता है तत्सम, ठीक है। तत्सम के बाद अगर दूसरा शब्द भेद देखें तो वह होता है आपका तद्भव, ठीक है। दूसरा जो शब्द भेद होता है वह आपका तद्भव होता है। तीसरा जो इसमें बनाया गया है, ठीक है, तत्सम और तद्भव के बाद, वह आपका देशज शब्द होते हैं, यानी देशी जिनको आप बोल सकते हैं। चौथा जो इनका भेद होता है जिनको हम विदेशज बोलते हैं, क्योंकि अपने यहां विदेशी भाषा से शब्द भी काफी आए हैं। आप इतिहास अपना पढ़ते हो तो जानते हो अरब फ्रांस जो है, अरब से लेकर के फ्रांसीसी, फिर ठीक है तुर्की पुर्तगाली, सब तो भारत में आए हैं। तो उन सभी शब्दों को हमें पढ़ना होता है क्योंकि इनका प्रयोग हम करने लगे हैं। और अगला एक शब्द का प्रकार बनता है संकर। संकर का मतलब होता है इंग्लिश में जो शब्द आप हाइब्रिड पढ़ते हो उसको हिंदी में हम संकर कहते हैं, यानी जब दो से अधिक अलग अलग भाषाओं के शब्दों का मेल हो जाए और एक नए शब्द की रचना हो तो वह आपका संकर शब्द के अंतर्गत आता। तो उत्पत्ति के आधार पर इतने तरीके के शब्द होते हैं, कहीं कहीं आपका छह प्रकार भी लिखा मिलता है, लेकिन मुख्यतः आपके पांच ही प्रकार के शब्द होते हैं। अब एक एक की परिभाषा बहुत विधिवत से जो है हम सीखते चलेंगे। देखो तत्सम जो शब्द होते हैं, ठीक है, तत्सम का अर्थ होता है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधा सीधा लिए गए हैं, ठीक है, संस्कृत भाषा से सीधा सीधा शामिल कर लिए गए हिंदी भाषा में, वह तत्सम शब्द कहलाते। तत् का मतलब ठीक वैसा, ठीक है, तत्सम मतलब समान, ठीक उसके समान, किसके, संस्कृत के समान जो शब्द हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, समझ गए। ऐसे इन्हीं सारे उदाहरणों को हम एक एक करके समझना प्रारंभ करते हैं। जो चीजें मैंने आपको बता दी वो आप समझ चुके हैं कि इनके जो पांच भेद होते हैं। तत्सम की परिभाषा में अगर देखा जाए कि सबसे उपयुक्त परिभाषा इसकी क्या बनेगी और हमें समझना कैसे है, तो ध्यान दें कि तत्सम शब्द तत् और सम के मेल से, जैसा मैं पढ़ाता हूं वैसे ही जो है मेरी नोट्स होती है उसी भाषा में लिखी होती है। मतलब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आप फिर से मेरे लेक्चर को दोबारा सुन रहे हैं, ठीक है। तत्सम का अर्थ होता है कि क्या, मतलब उसी से मिला या उसी के समान, यानी ऐसे शब्द जो सीधे संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ले लिए गए बिना किसी परिवर्तन के, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। अब तत्सम में बहुत सारे शब्द आते हैं जिनके बारे में हमें आगे जिक्र करना है, पहचान के बारे में जिक्र करना है। अभी कहीं कहीं पर आपको तत्सम के भेद लिखे मिलते हैं। कई बच्चों ने मुझसे पूछा भी कि सर तत्सम के भी भेद हो सकते हैं क्या। देखो जब संस्कृत मैंने आपको भाषा समझाई थी तो भाषा में मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई और वैदिक संस्कृत के बाद मैंने आपको बताया कि लौकिक संस्कृत आई, ठीक है। संस्कृत में भी दो भाषाओं के दो अलग अलग रूप आपको पढ़ने हुए कि पहले वैदिक संस्कृत आई फिर लौकिक संस्कृत आई। तो वैदिक यानी जिनसे वेदों की रचना हुई और लौकिक यानी जो आम जो है लोगों की भाषा हो गई संस्कृत की, क्योंकि धीरे धीरे जब समय परिवर्तन हुआ वेदों के बाद तो सभी को संस्कृत पढ़ने की बोलने की जो है आजादी नहीं थी। तो जो लोग शिक्षा में नहीं गए उनसे क्या हुआ, धीरे धीरे संस्कृत के शब्द उनके वो नहीं रह जाएंगे जो लोग पढ़ाई करके आते, तो इन्हीं को लौकिक संस्कृत का नाम दे दिया गया आम बोलचाल की भाषा का। तो तत्सम शब्दों के प्रकार को भी जब आप हिंदी व्याकरण में समझोगे तो यहां जो चीजें स्पष्ट होगी, इसको कैसे समझना है, देखो इसको मतलब जो हम विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, वह वर्गीकरण इस हिसाब से हो सकता है कि एक तो ऐसे शब्दों को हम ले लें जिनका प्रयोग हम लगातार करते या चले आ रहे हैं अनवरत रूप से, यानी परंपरागत शब्द। दूसरा जो इसमें हम बोल सकते हैं वह ये कि हमें जैसी जरूरत पड़ी उस हिसाब से हमने निर्मित किया संस्कृत के शब्दों को और इनको निर्मित तत्सम शब्द बोला गया, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये आपके उपभेद हो ही तत्सम के, लेकिन इनको हम ऐसा विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। परंपरागत शब्द क्या होंगे, ऐसे शब्द जो पुराने संस्कृत ग्रंथों में
उपलब्ध है, इनका स्वाभाविक प्रयोग किया जाता है, ये परंपरागत जो है संस्कृत के शब्द आपके कहलाते हैं। दूसरा, निर्वित तत्सम शब्द क्या होंगे? ऐसे शब्द जो नए विचारों की अभिव्यक्ति के लिए इनका निर्माण हुआ, वह शब्द आपके निर्मित जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। समझ गए इनका प्रयोग कैसे कैसे होता चला गया? जिस जिस अनुसार हमारी आवश्यकता बढ़ती गई, उस अनुसार नए शब्दों का आविष्कार होता चला गया और संस्कृत व्याकरण के विस्तार में उन शब्दों को एक जो है स्पष्ट दिशा के साथ जोड़ते चले गए। तो समझ गए। अब तद्भव शब्द क्या है भैया, इसको समझ लीजिए। तद्भव, इसका संधि विच्छेद करा दो तो जब आप तद्भव संधि विच्छेद में मैंने पढ़ाया भी था कि जब आप करोगे तत् धन भव, ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, तत् जो है ता का जो बदलाव होगा वो दा में हो जाता है और इसका बदलाव तद्भव होता है। भव का मतलब होता है भवती, यानी उत्पन्न होना, ठीक है, ये है उत्पन्न हुए हैं, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तद मतलब उसी से उत्पन्न होना, ऐसे है शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं और उनका उत्पन्न होना क्या रहा, हमारी आवश्यकता रही, वह शब्द आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। समझ गए, बहुत बढ़िया। यानी जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए या संस्कृत से विकृत होकर यानी बदल कर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। इस वर्ग में शब्द आते हैं जो कैसे शब्द आते हैं, जैसे मैंने आपको भाषा में बताया था कि भाषा में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भाषा आप पढ़ोगे भैया तो जो संस्कृत आपकी चलती है, सबसे पहले संस्कृत में खासकर जो हम बात करते हैं कि यह क्या है, सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई जिनमें वेदों की रचना हुई, वैदिक के बाद आपकी कौन सी बढ़ी, वैदिक के बाद आपकी लौकिक संस्कृत आई, लौकिक के बाद आप पढ़ते हो कि पाली आई, पाली के बाद आप पढ़ते हो कि जो है ये भाषा का इतिहास है, प्राकृत आई, प्राकृत के बाद आप पढ़ते हो औहट आई, औहट के बाद आप पढ़ते हो क्या, हिंदी आई। तो यह जो हिंदी का विकास रहा, ठीक है, हिंदी का जो विकास काल रहा, इसमें जैसे जैसे भाषाएं मिली हैं उसी अनुसार जब वैदिक संस्कृत की बात कर लें तो यह जो जितने शब्द आपको मिलते हैं इन सारे शब्दों को हम किसमें, इन सारे शब्दों को हम किसमें रख देते हैं, वह शब्द तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। समझ गए। जैसे इनमें जब आप देखेंगे उदाहरणों को मैंने लिखा है, जैसे लिखा है काम आग, कबूतर हाथ, सांप मां, भाई घी, दूध भैंस, इन सारे शब्दों के जो आपके संस्कृत शब्द होंगे यानी तद्भव तत्सम शब्द होंगे, जैसे काम को बोलते हैं कार्य, आग को बोलते हैं अग्नि, ठीक है, यानी तत्सम में कुछ और शब्द थे और तद्भव में कुछ और शब्द होने लगे जो परिस्थित वश जो है जिनका आविर्भाव हुआ, इस वजह से यह तत्सम शब्द कहलाते हैं। समझ गए, बहुत बढ़िया। अब हम तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने की ट्रिक में बढ़ते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्दों के पहचानने के नियम क्या है, जो जो है देखे गए हैं जिनका प्रयोग इस अनुसार होता है उन्हीं शब्दों पर हम विचार करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझना एक एक चीजों को। तद्भव और तत्सम शब्द में जो आपके तत्सम शब्द होते हैं भैया, इनके पीछे या इनमें अधिकतर ऐसा आपको दिखाई देगा कि छा क्षत्रिय वाला जो छा है इसका प्रयोग होता है, तत्सम शब्दों में क्षत्रिय के जो छा है इसका प्रयोग होता है, और जब इनसे तद्भव शब्द बनते हैं तो इस छा का परिवर्तन जो है खा या छा में हो जाता है, इस जो है छा का परिवर्तन किसमें, खा या छा में हो जाता है तद्भव में। यह एक नियम है, यानी जहां पर ऐसे शब्द मिले वहां पर आपको दिमाग लगाना है कि अगर इसमें शा लिखा है क्षत्रिय का तो वहां पर आप समझ जाना कि यह जो है तत्सम शब्द है, मतलब यह आपका अनुभव है, आप इतनी चीजों को रट नहीं सकते हो, कुछ चीजें अनुभव के अनुसार ही सीखनी चाहिए। जैसे उदाहरणों को सीखो, मैंने यहां उदाहरणों को स्पष्ट रूप से लिखा है, जैसे आपका है अक्षर, ठीक है, अक्षर में शा आ रहा और यह क्या है, यह तत्सम हो गया क्योंकि यहां आपका शा अच्छा दिख रहा है। अब इसका जब तद्भव आप करोगे भैया तो यह जो छा है यह इस छा में परिवर्तन हो जाएगा और तद्भव जो बनेगा यह अक्षर बनेगा। समझ गए, यानी जो क्षत्रिय का आपका शा है इसका परिवर्तन छा में हो गया,
ठीक है, यानी अक्षर जो था वह अक्षर में परिवर्तित हो गया। दूसरा शब्द ऐसे है अक्षत, ठीक है, अक्षत का अर्थ क्या होता है, जिसका क्षरण ना हो सके, अक्षर भी वही है यानी जिसका क्षरण ना हो वो अक्षर कहलाता। तो अक्षत में भी जब आप इसको तद्भव शब्द में लिखोगे तो यहां क्षा मिल गया। अब ये पूछे कैसा शब्द है तो आंख बंद करके लगाएंगे, यह तत्सम का शब्द है, यह अक्षत है, यानी अक्षत यहां से क्या बनेगा, अक्षत में छा आ रहा है इस वजह से यह बन जाएगा तद्भव शब्द। यानी इन सारी चीजों को अगर आप एक एक ध्यान रखेंगे तो आपको तत्सम शब्दों के भंडार को एकदम भरने की जरूरत नहीं है, दिमाग में कुछ और भी जगह होगी तो कुछ और अच्छी चीजें जो है सीखेंगे। जैसे इक्षु लिखा है, इक्षु शब्द आपका क्या है, यह तत्सम शब्द है और इसका जब तद्भव देखेंगे तो ईख हो जाता है, खा आ जाएगा। ऐसे रिक्ष है, रिक्ष इसका जब आप तद्भव शब्द लिखोगे तो रिक्ष हो जाएगा, भालू जो होता है। क्षत्रिय लिखा है, क्षत्रिय का जब आप तद्भव शब्द लिखोगे, ठीक है, तो इसको खत्री बोलते हैं, ठीक है, जो क्षत्रिय होता है इसको खत्री बोलते हैं, समझ गए, परेशान मत होना। तो ये चीजें बहुत आसान सी है, मतलब दिमाग में अगर बना लिए तो कभी भी तत्सम तद्भव आप गलत करके नहीं आओगे। चार से पांच ट्रिके हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगला आपका है जैसे क्षार लिखा है, जो आप संस्कृत में उसमें रसायन विज्ञान में पढ़ते हो वही क्षार है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, कहते नहीं ये बड़ा खारापन है यार, इसके टेस्ट में बड़ा खार है, तो ये क्षार को हम खार बोलते हैं तद्भव शब्द में। तो यहां पर भी देख ले, यहां शाप था और यहां खा हो गया परिवर्तन, ठीक है। ऐसे क्षेत्र है आपका, क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं तद्भव शब्दों में, आम जो हमारी बोलचाल की भाषा है इसमें हम खेत बोलते हैं, क्षेत्र नहीं कहते, हम कहते हैं ये हमारा खेत है, ठीक है। अगली चीज जैसे खीर होता है, इसको हम अपने बोलचाल की भाषा में खीर बोलते हैं, ठीक है, खीर ही प्रयुक्त करते हैं हम, शीर कभी थोड़ी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये आप जानते हैं जब कहते नहीं भगवान जो है कौन है, विष्णु क्षीर सागर में लेटे होते हैं शेषनाग की सैया पर, तो वहां जो है हम क्षीर का प्रयोग करते हैं, खीर का नहीं, ठीक है। तो जहां पर भी ऐसे ही है एक शब्द लिखा है क्षति, अब क्षति में आप देख सकते हो कि छा का प्रयोग हुआ है क्षत्रिय वाले, और इसका जब आप तद्भव शब्द लिखोगे तो यहां क्षति बोलते हैं, ठीक है, यानी यहां छाप का प्रयोग करेंगे, यहां जो है क्षत्रिय के आपके छा का प्रयोग करेंगे। अगला है जैसे क्षण, ठीक है, यहां छीन बोलते हैं, ऐसे छीण है तो छीन बोलेंगे, ठीक है, हम ये थोड़ी कहते हैं उसने हमसे यह वस्तु छीन ली, हम कहते हैं उसने यह वस्तु हमसे छीन ली, ठीक है। तो यही सब परिवर्तन इन सब में होते हैं, यानी एक चीज दिमाग में रख लीजिए कि जहां पर खा शब्द जो है शाह शब्द आ गया, क्षत्रिय का शाह शब्द आ गया, वहां पर क्या करना है, तत्सम शब्द लगा देना है। यानी अधिकतर बहुधा आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे, ऐसे शब्द मिलेंगे जहां इनका प्रयोग हुआ है और वह शब्द आपके क्या है, तत्सम शब्द है। दूसरी ओर बढ़ते हैं, दूसरा नियम जो इसका है भैया, वो नियम यह है कि तत्सम शब्दों में अगर श्राव आ गया, क्या मिल गया, तत्सम शब्दों में अगर श्राव मिल गया, ठीक है, तो श्राव का जो प्रयोग होगा तत्सम शब्दों में होता है, और जब यह इनसे आप तद्भव शब्द बनाओगे तो वहां पर जो है तद्भव शा का प्रयोग होता है, जो साधारण सा होता है, ठीक है, या जिसको आप लोग बोलचाल की भाषा में बड़ा सा कहते हैं, वह अगर किसी शब्द में मिल रहा तो वह आप अधिकतर देखेंगे कि ये आपके तद्भव शब्दों में मिलते हैं। लेकिन सा अगर लिखा है तो ये ऐसे शब्द जितने होते हैं ये तत्सम शब्द होते हैं। उदाहरणों को देखो, यहीं से समझ जाओगे कि क्या जो मैं कह रहा हूं ये सच है, तो सब चीजों को यहां पर आप प्रयोग के तौर पर देखते रहे। जैसे अश्रु लिखा है, अश्रु में आपका श्रा आया, अब अश्रु क्या है, तत्सम शब्द है, इसका जब तद्भव आप बनाओगे तो आपको आंसु मिलेगा, इसका तद्भव क्या बनेगा, आंसु बनेगा, यानी दोनों में परिवर्तन आप देख रहे हो कि श्रा से परिवर्तन सामय होता है। दूसरा समझ लो, जैसे आश्रय एक शब्द मिल गया, इसमें भी श्रा शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका जब आप तद्भव बनाओगे तो हम क्या लिखते हैं, इसको आसरा लिखते हैं, ठीक है। तो तद्भव और तत्सम में यह परिवर्तन जो होता है सा और सा का, इसको ध्यान रखते हुए, यानी कुछ शब्दों को आपने, कुछ वर्णों को अपने मन मस्तिष्क में स्थापित कर लिया तो आपको कभी भी ऐसी दुविधा जो है उत्पन्न नहीं होगी कि उपयुक्त प्रश्न का सही उत्तर क्या है। आगे बढ़ते हैं, जैसे आश्चर्य आप बोलते हैं,
इसको यहां क्या बोलते, बड़ा अचरज हुआ देखकर यार, गांव वाले बोलते नहीं अचरज चीज लाए हो भैया तुम, ठीक है, तो अजरज की बात है। तो यह सब क्या है, यह शब्द आपके आश्चर्य यानी यहां श्रा का प्रयोग था, और यह चीज किसमें है, ठीक है, यह है आपका जब यहां प्रयुक्त हुआ तो उसमें बदल गया, परिवर्तित हो गया। ऐसे आश्विन ये एक महीना होता है, आश्विन हिंदी भाषा का, इसको आसोज बोलते हैं जब आप हिंदी में जो है तद्भव शब्दों में प्रयुक्त करते हैं, समझ गए। तो श्रा का जहां एक तो आपने सीखा कि छा शब्द जहां मिल रहा वह क्या है, तत्सम है। दूसरा आपने सीखा जहां श्रा शब्द मिल रहा वह भी तत्सम में आते हैं। तीसरे की ओर बढ़ते हैं बच्चा, तीसरा है कि जहां पर आपका तालब विशा का प्रयोग होगा, तालब विशा, ठीक है, जिसको आप सलजम वाला सा कहते हैं, उसका प्रयोग अगर आपको मिल रहा तो यह अधिकतर आपके तत्सम शब्दों में होता है। तालब विशा का प्रयोग अगर हो रहा शब्दों में तो यह समझ लेना कि यह तत्सम शब्द ही है, और तालब विशा से जो शब्द आते हैं जब इसका तद्भव निर्माण करते तो वहां पर भी इसका परिवर्तन आपके साधारण सा में या बड़ा सा में होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहां कुछ उदाहरणों को लिखा है, इनको समझिए। पहला उदाहरण आपका है अशीति, अशीति में देखिए सा का प्रयोग हुआ है और वह भी तालब्य शा का, इसका जब आप परिवर्तन तद्भव शब्दों में करते हैं तो अशीति को बोलते हैं अस्सी, जो गिनने वाली संख्या है अस्सी जिसको आप बोलते हैं, इसको संस्कृत में अशीति बोलते हैं, समझ गए। दूसरा शब्द मैंने यहां आपके लिए लिखा है आदेश, आदेश में ये जो शा आया आपका, ठीक है, तालब्य शा, जब इसको आप तद्भव शब्द में लिखोगे, ठीक है, तो यहां आयुषु आपको मिलेगा। ऐसे अगला है आपका, ठीक है, ये तत्सम और तद्भव पलट गया है। अगला है जैसे आशीष, ठीक है, आशीष में आशीष बन जाता है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है, आयुषु और इन चीजों में, चलिए आदेश तत्सम और आयुषु आपका तद्भव के तौर पर। अगला इसमें बढ़ते हैं, चार नंबर में देखो, ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा, तत्सम शब्दों में शा वर्ण का प्रयोग होता है, शा, ठीक है, मूर्धनि शा, कौन सा, वो ऊपर वाला तालब्य शा था, यहां मूर्धनि शा है। मूर्धनि शा जो होता है, अगर यह भी आपको दिख गया तो यह समझ लेना कि यह तत्सम शब्द है। कैसे, देखो पहला आपका दिया है अष्ट, अष्ट में किसका प्रयोग हुआ है, इसमें आपके मूर्धनि शा का प्रयोग है, और इसे जब आप तद्भव में लिखेंगे तो आठ लिखते हैं, ठीक है। दूसरा जैसे एक है अष्टादश, ये आपकी गिनती है जिसको हिंदी में आप अठारह लिखते हैं, इसको अष्टादश बोलते हैं संस्कृत शब्दों में। अगला है इष्टिका, इष्टिका को आप जब हिंदी में लिखते हो तो ईंट लिखते हैं, लेकिन इसे जब हम संस्कृत में लिखेंगे तो इष्टिका बोलते हैं। ऐसे उष्ण है, यहां पर भी शा शब्द आया है, उष्ण भी आपका क्या होता, उष्ण भी उमस हिंदी में हम बोलते हैं। कृषक है, यहां पर भी आया, यहां पर भी इसको आप तद्भव शब्दों में किसान शब्द बोलते हैं, यानी शा शब्द जहां भी मिल गया वहां पर भी हमें क्या करना है, आंख बंद करके तत्सम शब्दों को चुन लेना है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद भैया, अगला उदाहरण पांचवा मैंने लिखा है, इसको समझिए। तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है, री शब्द जो है इसकी मात्रा का प्रयोग होगा। अब आगे आप समझदार है कि री शब्द की मात्रा ऐसे नीचे लगती है, ठीक है, अधिकतर शब्दों में, तो जहां पर भी ऐसे शब्द मिले जिनमें री शब्द का उच्चारण हो रहा समझ जाओ कि वह तत्सम शब्द है। जैसे पहला मैंने लिखा है कृपा, ठीक है, कृपा जो शब्द है यह किसके अंतर्गत होगा, री की मात्रा लगी है तो यह तत्सम शब्द होगा, लेकिन जब तद्भव में लिखोगे तो इसको बोलते हैं बड़ी कृपा की है भैया आ गया, ठीक है, तो कृपा यहां बोलते हैं, यहां कृपा बोलते हैं, यानी जहां री की मात्रा लगे वह शब्द आपका तत्सम शब्द होगा। अगली चीज, जैसे दूसरा मैंने उदाहरण लिखा है कृषक, अब का में री की मात्रा लगी है, कृषक यानी जहां री की मात्रा आ गई वह शब्द आपका तत्सम शब्द का उदाहरण होगा, यानी कृषक को आप तद्भव में किसान ही लिखते हैं। अगली चीज पर बढ़ते हैं, अगर कहीं पर रा की मात्रा मिल जाए, देखो री की मात्रा और रा की मात्रा में बहुत अंतर है, आप पढ़ने पर उच्चारण से समझ जाओगे, अगर रा की मात्रा का कहीं प्रयोग हो रहा तो आप समझ जाना कि ये जो रा की मात्रा का प्रयोग हो रहा है यह हमेशा तत्सम शब्दों में होगा। उदाहरण को समझो, जैसे लिखा है कर्पूर, ठीक है, यहां रा की मात्रा आ रही है पा के ऊपर, जो कर्पूर शब्द लिखा है यह शब्द आपका तत्सम है, लेकिन जब इसको हम तद्भव में पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, कपूर ले आओ भैया, ठीक है, यह कपूर होता है, इसका तत्सम शब्द आपका कर्पूर होता है। दूसरा जैसे है कर्तरी, ठीक है,
कर्तरी जो यह शब्द है आपका, अब इसको तो कर्तरी, ठीक है, अब ऐसा आप बोल दे किसी से कि जो है कर्तरी लेकर आओ तो वो समझ ही नहीं पाएगा कर्तरी है क्या। अब बोल दो उससे कैंची ले आओ तो तुरंत जान जाएगा, क्योंकि हम लोग इसका प्रयोग करते ही नहीं है। कैंची का जो तत्सम होता है, ये शब्द बहुत बार आए भी हैं सभी, वो आपका कर्तरी होता है। ऐसे अगला है कर्ण, कहते नहीं हम बोलते हैं इसको तद्भव में कान, लेकिन किसी से कह दो कर्ण पल्लो से, ठीक है, जैसे मैं बहुधा प्रयोग करता हूं कर्ण पल्लो का, तो यानी कान आपके, ये इनको हम कान को कर्ण बोलते हैं। कर्तव्य जैसे अब यहां पर भी ऊपर रा की मात्रा दिख गई, ये भी क्या हो गया तत्सम शब्द हो गया, तो जहां पर भी आएगा, ठीक है, ऊपर अगर जैसे ये आपको रा की मात्रा मिल रही जहां पर भी मिलेगा, ठीक है, वो शब्द क्या होंगे तत्सम शब्द होते हैं। तो ये चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला एक नियम अंतिम वाला सातवां देख लें। सातवां नियम यह है कि तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है। वा का प्रयोग तत्सम शब्दों में देखा गया है कि बहुधा होता है, और जब तद्भव शब्दों में हम देखते हैं तो तद्भव शब्दों में आपको अधिकतर बा शब्द का प्रयोग मिलेगा, यानी दो वर्णों में अगर आप यहां पर भी ध्यान रख लेते हैं तो यहां से भी तत्सम और तद्भव शब्दों को आप आसानी से समझ सकते हो कि कौन सा तद्भव है कौन सा तत्सम है। जैसे मैंने एक शब्द यहां लिखा है कर्तव्य, ठीक है, यहां हमें वा पर ध्यान देना है, यहां लिखा है कर्तव्य, यानी यहां वा आया तो यहां बा बन गया, यानी ऐसे शब्दों में जहां वा का प्रयोग हुआ है वह अधिकतर तत्सम शब्द होते हैं। दूसरा है श्रवण, यानी इसको तद्भव शब्द में बोलता है शबाना। ऐसे अगला है दूरबा, दूरबा का अर्थ होता है दूब, ठीक है, तद्भव में हम क्या बोलते हैं दूब। अब आपसे लेकिन दूरबा इसका तत्सम शब्द है, यहां वा है तो यहां बा शब्द है, ठीक है। अगला जैसे मैंने कहते नहीं भैया द्रिवेदी जी क्या हाल है, यहां वह शब्द आया, लेकिन इसको जब हम तद्भव में प्रयोग करते हैं तो यहां द्रिवेदी जी को हम बोल देते दुबे जी, ठीक है, तो यहां बा का प्रयोग हो गया, वहां क्या थे द्रिवेदी, तो द्रिवेदी से दुबे बन गए। यानी हमने बहुत सारे ऐसे शब्दों को सीख लिया कि जिन पर अगर हम ध्यान रख ले गए तो हम कभी भी तत्सम और तद्भव शब्दों में गलतियां नहीं करेंगे। कौन कौन से वर्ण रहे, पहली चीज तो हमने बताई क्षत्रिय के शामिल है वहां पर, दूसरी चीज मैंने बताई कि मूर्धन्य शामिल रहा, तीसरी चीज हमने बताई कि अगर तालव्य शामिल रहा, चौथी चीज हमने बताई कि अगर श्रामिल रहा, पांचवी चीज अगर बताई कि री की मात्रा मिल रही, छठी चीज मैंने बताई कि अगर आपको क्या मिल रहा री के अलावा रा की मात्रा मिल रही, सातवीं चीज हमने बताया कि अगर वा का प्रयोग हो रहा, तो यह सभी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं बच्चा, यह सब तत्सम शब्दों के अंतर्गत आती हैं। ये चीजों को ध्यान रखो, हमेशा आपको ऐसी जरूरत नहीं आएगी कि आप 2-3 हजार शब्दों को रटो तत्सम को तब आप जो है दो प्रश्नों का उत्तर करो। इनको अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप समझ जाओ कि इन्हीं से प्रश्न आपको हमेशा मिल जाते हैं और वहां से आप इनको सही कर सकते हो, समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं तत्सम में, जो तत्सम तद्भव के बाद बात आती है, आप कहीं कहीं भेद के तौर पर अर्ध तत्सम शब्दों को पढ़ते हैं, तो मैंने हालांकि यह आपका उपयुक्त भेद नहीं माना जाता है, लेकिन चूंकि यह है अगर प्रयोग कहीं भी प्रयोग में है तो मैं आपको परिभाषा इसका समझा रहा हूं। परिभाषा को समझ लें कि अर्ध तत्सम शब्द क्या होते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अर्ध तत्सम, अर्ध का अर्थ होता है आधा, मतलब आधा शब्द जो है तत्सम हो, यानी संस्कृत शब्द हो, और आधा आपका क्या हो तत्भव हो, तो ऐसे शब्द भी आखिर क्या हमारे व्याकरण जो है को मिले और उन्होंने व्याकरण में रखा, जरूर रखा, ऐसे शब्द है। कैसे, यानी जो शब्द आपके पूर्ण तरीके से तत्सम शब्द नहीं है उनका रूप बदला लिखता है, ना तो वो तद्भव में मिलते हैं वैसे, ना तत्सम में मिलते हैं, किसी और रूप में परिवर्तित रूप में, यानी दोनों के बीच में एक सीमा बना दें, ऐसे शब्द आपके अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं, समझ गए। यानी ऐसे शब्द मिल रहे जो तत्सम शब्द तद्भव शब्द के बीच में एक सीमा बना देते हैं। अब देखें तद्भव शब्दों में जितना परिवर्तन आपको दिखेगा उतना ही परिवर्तन अर्ध तत्सम में भी दिखता है, लेकिन एक चीज याद रखना है कि भैया इनका जो रूप है वैसा भी नहीं रह पाया जैसे तत्सम शब्दों का रहा, इसलिए इन्हें ना तत्सम कहा जाता ना तद्भव कहा जाता, इन्हें अर्ध तत्सम की संज्ञा दी जाती है। इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं मिलती है शब्दों में, कुछ एक है, समझोगे आप तुरंत समझ जाओगे। जैसे अग्नि, ठीक है,
और तद्भव में बोलते हैं आग, अग्नि को तद्भव में आग बोलते हैं। लेकिन अग्नि ये शब्द आप सुनते हैं कहते नहीं अग्नि, आसमान भैया, आंगन, आखर, कारज, कोने कारज छत्र जातो बोलते नहीं है। तो ये सब क्या है, ना तो तद्भव में रह गए ना तत्सम में रह गए, दोनों के बीच वाली चीजें मिल गई, ऐसे शब्दों को हम क्या अर्ध तत्सम। ठीक है, आप जानते हैं कृपा और क्या कहते हैं कृपा, कृपा और कृपा होता है तत्सम तद्भव, लेकिन कृपा कहते नहीं कृपा करो भैया, तो यह शब्द क्या है, यह अर्ध तत्सम के अंतर्गत आ गए, ना तो तद्भव में मिले ना तत्सम में मिले, तो मिले दोनों के बीच में। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो होते हैं इन सभी को हम क्या बोलते हैं, अर्ध तत्सम के अंतर्गत रखते हैं। जैसे लिछमन, ठीक है, लिछमी, वच्छ, समान, बरस, ठीक है, या तो वर्ष पूछते हैं या तो वरस पूछते हैं या वर जो है बरस, ऐसे शब्द मिलने लगे। तो ये सब शब्द किसमें, अर्ध तत्सम में है, इनको याद रखिएगा। बाकी तत्सम और तद्भव के जो शब्द हैं उनको मैंने अलग से उसी पीडीएफ में, नोट्स वाली पीडीएफ में लगा दिया है। ठीक है, 300-400 शब्द जो हैं उनको पढ़ लेंगे आप तो आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देशी या देशज शब्द क्या होते हैं, जो अगला इसका भेद बनता है भैया। देशी या देशज शब्द का अर्थ ये हो गया कि जो स्थानीय स्तर पर, ऐसे शब्द जो स्थानीय आधार पर या ध्वनि के अनुसार गढ़ लिए जाए, जहां जैसी बोली है उस अनुसार गढ़ लिए गए शब्द, वो शब्द आपके क्या होते हैं, तत्सम शब्द, वो सॉरी देशज शब्द कहलाते हैं या देसी जिनको बोलते हैं। ठीक है, गाना सुना है ना देसी देसी, तो वही चीजें हैं। अब देसी शब्द जैसे पेड़ हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक है, चील गाड़ी हो गई, ये सब शब्द क्या है, ये सब शब्द आपके मनगढ़ंत हैं एक तरीके से, मतलब जैसी हमारी स्थानीय जो है बोलियां रही उस अनुसार हमने इनको गढ़ लिया, अपने यहां प्रयुक्त करने लगे। ठीक है, तो ये सब शब्द क्या हो गए, ये शब्द आपके देशज हो गए, देसी हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है, ज्यादातर देसी और देशज इन दोनों शब्दों में अंतर नहीं किया जाता है, देसी और देशज में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन अगर आप पर्यायवाची देखें तो ये दोनों एक दूसरे के पर्याय भी नहीं है, देसी और देशज में यहां अंतर मिलेगा। ठीक है, इनके अंतर को समझ लिए कैसे, देसी शब्द का प्रयोग संस्कृत काल में से चला आ रहा है, देसी जो शब्द है इसका प्रयोग संस्कृत काल में भी होता था, देशज शब्द का प्रयोग वहां नहीं होता था। देसी का अर्थ संस्कृत भाषा में यह है कि वह शब्द जिन्हें संस्कृत व्याकरण के नियमों से सिद्ध नहीं किया जा सके, ऐसे शब्दों को हम देसी शब्द कहते हैं। दूसरी चीज, कुछ आदिवासियों की भाषा जो आर्यों के आगमन के समय भारत में निवास करते थे, इनमें से आस्टिक जैसे कबीले तो आर्यों के आगमन से ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया की ओर चले गए, लेकिन कुछ कालकौलित हो गए और कुछ आर्यों में घुल मिल गए, तो भाषा में इनका जो अंतर मिश्रण हुआ संस्कृत काल से ही प्रारंभ हो गया था। जैसे पाल, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में तो इनकी पर्याप्त बहुलता पाई जाती है, किनकी, देश शब्दों की। इसीलिए हेमचंद्र को देसी नाम माला कोश में लिखना, ठीक है, देसी जो शब्द रहे चूंकि संस्कृत में पाए जाते हैं इसीलिए देसी शब्दों को हम संस्कृत से आधार लेकर देखते हैं। वही चीजें अगर देशज शब्द के आधार को देखें भैया, ठीक है, जिनका निर्माण विभिन्न भाषा भाषी लोगों ने अपनी आवश्यकता अनुसार अनुकरण के आधार पर अथवा अन्य प्रकार से कर लिया, ऐसे शब्द आपके देसी शब्द जो है देशज शब्द कहलाते हैं। इनको इस आधार पर एक वर्ग में रखा गया है कि दोनों को ही व्युत्पत्ति संदिग्ध है, यानी दोनों की जो उत्पत्ति हुई है यह हमें एकदम क्लियर नहीं है, एक कोई ठोस आधार नहीं मिलता, इस वजह से देसी और देशज को जो है अलग कर दिया गया है। किसी भी ज्ञात देशीय या विदेशीय भाषा के आधार पर इन्हें व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, यानी हम ये नहीं बोल सकते कि भारत की जो हमारी भाषा है हिंदी, हिंदी से इनको जो है ये देशज शब्द हो गया, इसी वजह से बहुत सारी कंफ्यूजन इसमें बनी रहती है। देश शब्दों में मैंने शब्दों को लिख दिया है, ठीक है, जो अधिकतर पूछे गए हैं, चिड़िया, डाब, ढोलक, ओढ़ना, बाल, खाल, ठीक है, छोटा, घघरी, पाग, ये सब शब्द आपके जो है पेट, झाड़ी, ठीक है, जंटी, बेटी, तरकारी, आलय, ये सारे शब्द आपके देश शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अगली चीज है, ठीक है, विदेशी शब्दों को चूंकि मैंने बताया आपको कि भारत में आप भी जानते हैं, इतिहास पढ़ते हैं कि जो आक्रमणकारी जहां से उठा, भूखे नंगे, खाने को जिनको कुछ नहीं था, वो जहां से उठे वो क्या किए, वहां से मुंह उठाए और
भाव पहुंच गए हिंदुस्तान की, चलो यहाँ बहुत कुछ है, सोने की चिड़िया है, यहाँ धन लूटेंगे और यहाँ से धन अपने देश में ले जाएंगे। तो ऐसे नंगे फकीरों की, ठीक है, हिंदुस्तान में मतलब जो जहां से चला, ना कोई इतिहास ना कुछ, खाने को जिनको कुछ नहीं था वो भारत की ओर चल दिए, यहां आकर लूटपाट और तमाम चीजें उन्होंने की। तो विदेशियों को भी हम पढ़ लेते हैं, एक विदेशी नहीं रहे, मतलब हिंदुस्तान धर्मशाला बना दिया था हम लोगों का जो, ठीक है, यहां पर जो चीजें चलती थी वो संसार भी बहुत सारी चीजें यहां क्या हो गई, इनके लिए जिम्मेदार नहीं कि कोई कहीं से आया और यहां शासन कर ले गया, इसमें जिम्मेदार हिंदुस्तानी ही है, कोई अन्य नहीं। तो इसमें ध्यान दे, विदेशी जो भाषाएं हैं इनसे तत्सम एवं तद्भव शब्द इस वर्ग में रखे जाते हैं, ठीक है, यानी विदेशी भाषाओं से आए हुए तत्सम एवं तद्भव शब्द इस वर्ग में, विदेशी भाषा में। दूसरे विदेशी या विदेश शब्द का जो अर्थ है भारतीय आर्य परिवार से मित्र भाषाएं जो है लिया जाना, इनको भी हम विदेशी भाषा बोलते हैं, क्योंकि हिंदी में अगर देखें तो द्रविड़ परिवार की भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं, ठीक है, किंतु द्रविड़ भाषाओं को विदेशी भाषा नहीं कहते, द्रविड़ अपने यहां की है। इसीलिए विदेशी भाषा का देश से बाहर की भाषा अर्थ लेने से अव्यक्ति दोष आ जाएगा, ठीक है। हिंदी भाषा अपने उद्भव से लेकर आज तक अनेक भाषाओं के संपर्क में आई, जैसे मैंने बताया ना, अरबी हो गए, फ्रांस फारसी हो गए, तुर्की हो गए, अंग्रेजी हो गए, पुर्तगाली हो गए, फ्रेंच वाले हो गए, ये सभी भारत में चुकी आए तो इनके संपर्क में आपकी आई और इस वजह से अपने यहां बहुत सारे शब्द जो है मिलने लगे। अरबी शब्दों के अपने यहां भरमार है जिनका हम प्रयोग बहुधा करते हैं, गरीब हो गया, मालिक, कैदी, औरत, रिश्वत, सब मैंने लिख दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा, इनसे शब्द पूछता है, कई बार पूछा है, ठीक है। तो इन शब्दों से सीधा सीधा पूछ लेता है कि उपयुक्त जो है शब्द क्या ऐसा है, विदेशी है या विदेशी में चारों मान लीजिए आपके जो है पूरा कर दिया, तो वहां पर भी हमें पहचानना होता है। तो मैंने शब्दों को सबको फारसी कैसे किया है, इन सभी को अलग कर दिया है, ठीक है, पूरी नोट्स ऐसे ही तत्सम तद्भव की भी मैंने लगा दी है, तो वहां से आप सीख सकते हैं कि इन सारे शब्दों में कौन कौन से शब्द आपके आते हैं। अगला एक शब्द आपका बचता है संकर शब्द, ठीक है, संकर शब्द के बारे में पढ़ लेते हैं, ये है क्या भैया, ठीक है, सबसे अंतिम शब्द के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए जो आपके ये संकर शब्द होते हैं क्या होते हैं। संकर शब्द भैया वह शब्द होते हैं जो दो मित्र भाषाओं के शब्दों से मिलकर सामाजिक शब्दों के रूप में निर्मित होते हैं, यानी मित्र भाषाएं जो भारत में जाहिर सी बातें हैं, ऐसी भाषाओं का प्रयोग हो गया दोनों का और दोनों के शब्दों से मिलकर एक तीसरे शब्द का निर्माण हो गया, वह शब्द आपके संकर शब्द के अंतर्गत आते हैं। कैसे समझो इनको, जैसे एक शब्द आपका है रेलगाड़ी, अब इसमें रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, इन दोनों का जब मेल हुआ तो इससे रेलगाड़ी जो है शब्द का निर्माण हुआ, और यह क्या है, यह संकर शब्द है, हाइब्रिड है, किसी के मिश्रण से बनना। ऐसे बम वर्षा, बम आपका अंग्रेजी है, वर्षा क्या है संस्कृत है, तो इन दोनों शब्दों के मिलने से एक नए शब्द का निर्माण हुआ जो क्या है, संकर शब्द है। ऐसे आपका नमूनार्थ हो गया, सम जो है सजा प्राप्त हो गया, रेल यात्रा हो गया, जिलाधीश हो गया, हैंड मुनीम हो गया, राम गुलाम हो गया, तो ये सब शब्द क्या है, जो आपके दो शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं वह आपके संकर शब्द के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, सारे नियम आपको याद हो गए होंगे, अब आपको कहीं पर भी इनसे आगे दिक्कत नहीं मिलेगी, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे। इन सारी क्लासेस की मैं MCQ भी करवाऊंगा, तो मस्त होकर पढ़ाई करें। हिंदी व्याकरण में मेरी जितनी क्लासेस हो रही इनको आप अच्छे से देखते रहिए, बाद में कभी भी किसी परीक्षा के लिए आपको हिंदी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक जो है टीम की मेहनत जैसी लगती है अच्छे अच्छे कमेंट देकर जाइए ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो। तो फिर मिलते हैं, तब तक जो है अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करते रहिए सारे लेक्चर्स के बारे में, उन्हें भी बताइए कि यहां पर पूरी क्लासेस निःशुल्क चलती हैं, आप लोग लाभ ले सकते हैं। मस्त होकर पढ़िए, टीम पूरा सहयोग करेगी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भाई, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।